हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुबना का आशियाना। सो दोस्त वो लर्न यू ऑन माय चैनल। मैं हूँ लुबना एंड आई मेक व्लॉग्स अबाउट लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग एंड समटाइम्स कुकिंग। तो आज है डे 3 ऑफ ट्रिप टू अजमेर। तो आज का प्लान ये है कि ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद 2.5 दिन की झोपड़ी और उसके बाद जाएंगे हम अन्ना सागर। और 2 दिन हो गए मतलब रूम से तो ज़ियारत खैर हर टाइम हो रही है, लेकिन एक्चुअल ज़ियारत आज होगी और हम जाएंगे खादिम के साथ दरगाह की ज़ियारत भी करेंगे, चादर भी पेश करेंगे। So yes, without wasting any time, let's get started. Welcome to लुबना का आशियाना। ये है इनका आउटफिट ऑफ द डे और ये है हिबा का आउटफिट। वाओ। और नंगे पैर ये इसीलिए है तब्बू क्योंकि कल रात में एक ट्रेजेडी हो गई और इनकी चप्पल जो है वो चोरी हो गई। अब चोरी हो गई या किसी जरूरतमंद ने पहन के चला गया। yes. हाँ, इन्हें को मतलब अभी तब्बू को हम लोग बोल रहे हैं कि एक चप्पल ले लो, इतनी सारी दुकानें हैं, बट ही इज नॉट एट ऑल लिसनिंग। ऐसे ही चलना नंगे पैर, आज का पूरा दिन ऐसे निकालने वाले। तो ये है दरगाह और अब हम चलेंगे बाहर। चलो, ठंडी बहुत है। तो नहीं ला रहे तो क्या है ये? ये है पाया। हाँ। और ये है हाँ। और ये है दो तंदूरी और ये है दो पराठा, मलबारी पराठा। चलिए आइए, बिस्मिल्लाह। यहाँ पर नाश्ता चल ही रहा है और यहाँ पे साथ ही साथ में मेरा ब्लॉग भी वॉच किया जा रहा है। टाइम नहीं है ना हमारे पास, तो बनाने में थोड़ी वॉच करेंगे, खाते खाते वॉच करेंगे। हाँ, मतलब अपने वॉच नहीं करेंगे, सबसे पहले तो कौन वॉच करेगा भाई। तो हम भी अपना ब्लॉग जो है वो देखते हैं। और ये नाश्ते के बाद की चाय। ये तो पिए भी लिए, चालू भी होगा। सुबह में कितने बजे दुकान खुल जाते हैं? 7 बजे। ऐसे खड़ा किस तरह करोगे? तो नहीं बोल देंगे आप दीदी। रखो यार, रखो। शाम को नहीं आएंगे? नहीं, इसे अभी नहीं नहीं। नाश्ता हमने कर लिए हैं, आप देख सकते हो पीछे हमारे बुलंद दरवाज़ा। और हम अब जा रहे हैं सबसे पहले अन्ना सागर। अन्ना सागर जाकर रिटर्न में हम आएंगे 2.5 दिन के झोपड़े में। देखो लाइन से होटल्स ही होटल्स, गेस्ट हाउस ही गेस्ट हाउस और नीचे है पूरी मार्केट। वाओ। तो ये है दिन का नज़ारा। मॉर्निंग कितने बज रहे हैं? कितने बजे? 10:15 हो रहे हैं। यहाँ पर बांधने वाले ड्रेसेस भी है, चॉइस भी है। यही है कि ये सारी चीज़ें आपको मुंबई में भी मिल जाएगी। सो इसलिए वी हैव डिसाइडेड नॉट टू बाय एनीथिंग एक्सेप्ट एक्सप्लोरिंग द प्लेस। सागर जाने के लिए यहाँ से कितना टाइम लगेगा? नहीं, वैसे तो उसने 1 किलोमीटर बोला है, लेकिन यहाँ पे तो दिखा रहा है 2 किलोमीटर दिखा रहा है 34 मिनट। तो मेरे ख्याल से आगे से रिक्शा ले लिया जाए तो वो ही बेहतर ही है। ये तुम्हें देखो, ये वाला सेल्फी वाला वीडियो चालू है ना, तो मिलते हैं, लेकिन एक तो मिलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अन्ना सागर जो कि दरगाह से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर पहुँचने के लिए लग जाएंगे लगभग 30-35 मिनट्स। राइट, चल के अगर जाएंगे तो, अगर वॉक करके जाएंगे तो है वैसे पब्लिक, लेकिन अभी क्या हमारे हाँ। वो स्थिति नहीं है हाँ। तो हम जो है रिक्शा करेंगे, तो हम बाय ऑटो जाने वाले हैं। अच्छा, बाजार ख़त्म होते ही यहाँ पर ऑटो का स्टैंड
ऑटो स्टैंड है ये कैसा? आपने मतलब की नहीं है? हाँ यस, हम साइकिल में बैठ चुके हैं और हमारी दुनिया कुछ इस तरह दिख रही है पीछे से क्योंकि बैठे हैं ऐसे। ये ओके, तो सुनो मेरी बात, पर ये पर पर्सन साइकिल में कितना है? 20 रुपया सवारी है। 20 रुपया सवारी है फ्रॉम दरगाह मेन गेट एंट्रेंस से। हाँ तो फ्रॉम दरगाह मेन गेट टू अनासागर 20 रुपीज पर सीट। चलो लेट्स गो। और ये है काफी ये है दरगाह शरीफ का एंट्रेंस है ये। अब इसके बाहर निकल चुके हैं हम लोग। चलो विदिन 5 to 10 minutes में हम यहाँ पर पहुँच भी गए और अब हम जाएंगे। टाइम लगता है। ओके कहाँ जा रहे हैं? हाँ अनासागर। ये है अनासागर बरादरी। ये है टिकट घर और यहाँ पर टिकट निकालेंगे और एंट्री फीस आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। 12 साल के बच्चे नीचे जो रहे कि उनका नहीं है। 12 साल के नीचे का नहीं है। 12 साल के नहीं है, बाकी 25। बाकी 12 के ऊपर के 25 रुपए। So here we have to show the ticket to the watchman and then we can move in. Thank you. चलो। So this is the entrance. ये है अनासागर बरादरी का पार्क एरिया। तो ये है अनासागर का पार्क। तो अगर हिस्ट्री की बात की जाए बैक इन द डेज ऐसा माना जाता है कि जादूगर जयपाल जो था उस जमाने में एक जादूगर हुआ करता था और उसने बहुत सारे मैजिक दिखाए लोगों को और बहुत सारे हेरा फेरी भी करने लगा। वो जादूगर सबको चैलेंज करता था कि मैं सबसे बड़ा जादूगर हूँ और मेरे अलावा और कोई जादू नहीं कर सकता, दिखा सकता या व्हाटएवर। तो उस टाइम पे ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने ये पूरा समंदर का पानी, मतलब ये अनासागर का पानी अपने एक छोटे से कासे में समा दिए थे। तो उस टाइम की वो एक करामाती चीज़ थी। तो अभी आपको मैं बताती हूँ वो अनासागर का पानी कितना था और वो कासा कितना था। तो ये था वो अनासागर। कुछ खाने के लिए है क्या? लेके आना चाहिए था ना बाहर से ही। आप देख सकती हो कितना पापड़। मतलब 13 किलोमीटर तक का ये लंबा आपको समुंदर कह लो आप। तो इस को एक कासे में समाना विच इज दिख रही है क्या? रॉली रॉली बैठी मच्छी दिख रही है। अरे को ये मुंह देख इधर। अरे ज़ूम करो ना, ये मुंह खोल के तो कोई खड़ी है। ये देखो आप देख सकते हो कितनी सारी मछली है, वेट कर रही है कि कोई आके हमारे को खाना डालेगा। वाओ पापड़ वापड़ मिलेगा तो डाल दे रहे। हाँ यार चलो लेके आने के लिए बात लेके आओ क्या? जाओ लेके आओ फिर। कितना क्लीन है यार। और यहाँ पर तब्बू आ रहे हैं वो भी खाली हाथ। क्या हुआ, कुछ मिला नहीं? कुछ भी नहीं मिला। दे डोंट अलाउ राइट, इट्स अ बैन। मेरे को पता था वरना अब तक कच्चर पट्टी हो जाता। चलो
तूने पूछा? वो तो पागल है, किसी काम का अरे इधर इधर यहाँ पर आओ ना, यहाँ पर अंदर जाने के लिए है, मतलब थोड़ा सा अंदर जाने। इधर से तो नजदीक, इधर से इधर आई बात। अरे इधर से नजदीक है, आपकी मर्जी। तो अभी हम डालेंगे मछलियों को खाना, चारा। आर दे ईटिंग? खत्म, जल्दी डालो, खा ली इसने। इतने बड़े बड़े पीसेस डाल रहे उनके मुंह में भी नहीं। अरे वो भूल हो जाएगा। अच्छा, बड़ा तो मुंह मेरे को बाहर से दिख रहा है यहाँ से। देखो कितनी सारी मछलियाँ है। I don't know, एक कैमरे में कैप्चर भी हो रही कि नहीं, पर जूम करो ना। डालो मछली को, खाना खिला चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए। So let's go। इतनी वॉकिंग करने के बाद फाइनली डेस्टिनेशन हमारी आ गई है और हम सोच रहे हैं कि अभी बोटिंग करें। इट्स नॉट बोटिंग राइट? नहीं, वहाँ जाके वहाँ छोड़ते हैं वहाँ पे। अच्छा, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट, फिर वहाँ से, फिर वहाँ से रिटर्न। चलो लेट्स गो, देखते कैसा है। ये अचानक से ये बीच में इतना गेट, इतना बड़ा गेट क्यों बनाया है? सेल्फी बूथ जो है आज की तारीख में निकले, ये पागल बनाते हैं। पुराने जमाने का सेल्फी बूथ पुराने पुराने जमाने का सेल्फी देखो ना एकदम, मतलब वहाँ पे है एंट्रेंस लेकिन ये बीच में इतना बड़ा गेट। तो ये है वही लेक का पानी जो कि बह रहा है। क्या गंदी पास मार रही है। दिस इज द वे टू गो फॉर अ बोट। यहाँ से, वहाँ से, वहाँ से। तीन से दस वर्ष तक का 70 रुपीज, 10 वर्ष से बड़ा है तो 120 दिया हुआ टिकट वापस नहीं होगा। ओके, मतलब टिकट का एक ही है 120 रुपीज। एक तो या तो राउंड मार के आ जाओ, हाँ, और एक सामने जो ग्राउंड है, गार्डन है, आइलैंड है, उस पे जाके आ जाओ। तो हमारा प्लान ये है कि जब जाए तो आइलैंड रुक के आएंगे। ठीक है, तो तीन बड़े है, बच्ची का है 3 साल से ऊपर 70 रुपये, 3 साल से ऊपर 70, तो 3 साल के ऊपर है। तो ये है हमारी बोट। साधु बाबा एकदम बन के बैठे हुए, देखो जरा। चलो चले, चलो आना सागर का ले शुरू किया जाए। मेहंदी कितनी मस्त लग रही है यार। I told you, we are first. हम इतना एज पे बैठे हैं। Which boats? लुसीडो के राजा के पास। लुसीडो के राजा। एक तो birds देखो कैसे आ रहे हैं। ना?
बहुत जल्दी आ गया वहाँ से आए यहाँ पर। अल्लाह मेरी फैमिली मुझे कैसे छोड़ छोड़ के जाती है वीडियो के चक्कर में, कसम से। काहे रुक गए? अरे तुम्हारे लिए रुके दे रही हैं। चलो टिकट गिनता है ना, मेरी फैमिली जाएगी तो अपनी फैमिली जाएगी। यहाँ पर टिकट शो करने के बाद एंट्री मिल जाती है एंड यू कैन सी यहाँ पर एक छोटा सा गाला बोल रही गार्डन आइलैंड है ये बेसिकली। आइलैंड में गार्डन हीबा तुम्हारी पसंदीदा चीज। अरे बाप रे बेचारा धूप में बैठे बैठे काला हो गया। इसके लिए उसको शेड दे दिए और देखो लेकिन बहुत लेट हो गया शेड देने में। काला हो चुका है। आई एम सो फीलिंग सो गुड इन द है ना। ऐसी चीजें मुंबई में देखने को कम मिलती है। अभी तो सीमेंट ही सीमेंट कंक्रीट ही कंक्रीट, वरना मॉर्निंग में ऐसा चलना चाहिए ना बोलते हैं। दीपा आगे देखो डायनासोर भी स्टैंडिंग इन लुकिंग एट यू बेबी इज कॉलिंग यू। दीपा सी लुक डायनासोर इज वाचिंग यू इज कॉलिंग यू बाबा। अब डायनासोर ये बोले बस खत्म। आगे चलो डायनासोर मोर दिखा तुमको मोर मोरा ऐसी आवाज सी मिलती जुलती दब के गाना पड़ता है। चलो दिस इज पीकॉक और हमारी एंट्री के लिए पीकॉक। एज आई टोल्ड यू देयर इज अ कैंटीन ओवर हियर आई गेस। किधर है? इधर ही कहीं। अब इसको कैसे लूं? डायनासोर। हां तो बिस्किट पड़ी है तो उसे मुंह में डाल दो थोड़ा। मछली को तो बिस्किट खिला दिया बेटा। आगे क्या है? आगे कैफेटेरिया है। हां कितना बड़ा कैफेटेरिया है। वो तो बोला मैं देखो यहाँ पे चाय nice. अब यहाँ के हम लोग चाय और कॉफी का लूट उठाएंगे। बच्चों को खेलने दो, जब बच्चे अपने वो थकेंगे ना तब अपनी बच्ची जाके खेलेगी। ये स्मार्ट थिंकिंग है। nice. जो पहला जाएगा वो थकेगा। लेकिन बच्चे वाल के कोई थकने नहीं वाला। चाय है और कुछ भी नहीं। अरे ए रे वो मिलता था सब क्या मिलता था कैंटीन आई है छोड़ो ना। अल्लाह बहुत गर्म है ना इस बोल रहे हो हाथिया छुपके खड़े ले किधर है। अरे आदि जी खेल के आइसक्रीम खाएगी आ जा वो तो लूंगा यहां से मैं देख भी रहा हूं खेल स्केटिंग करते हुए जा तेरी सैंडल अटक जाएगी। Come on, come on this slide. Aja. Oh my God! ये बात तो गिर गई, गिरी गई एकदम ढबक 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 डूम डूम। कर लटको। दीपा खेलते हुए और यहाँ मेरी फैमिली जलपान करते हुए। तो अभी हमारा यहाँ पर टाइम्स अप हो चुका है। कितने मिनट हार्डली 10 मिनट्स हम लोग यहाँ पर स्टे किए। ऐसा कुछ नहीं है, देखो बोर्ड आती जाते रहती है ऐसे। अगर आपका मन करे कि अगर आपको और बैठना है तो बैठ सकते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पे खा लिए पी लिए खेल लिए तो इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो दूसरी जगह जाएंगे ना हम। ये टापू पे हमें बन नहीं रहना है, तो एक बोट जा रही है तो हम सोच रहे हैं इसमें बैठ के चले जाएं। मुझे बोलना कुछ और था और आप चालू होते तो रुकते नहीं हो। वापसी हो रही है, बहुत ज्यादा पब्लिक भर गई है इसमें। 12:30 हो रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं आना सागर से वापस।
अब जाएंगे पता नहीं किधर। चलो अच्छा वो बहुत जल्दी आए सुबह सुबह, मस्त घूम लिए है ना। और अभी देखो गर्दी बहुत हो गई और तब्बू ने मुझे इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ पॉटी है। हाँ सुनो कैमरा में आपने मुझे इग्नोर कर दिया, मैं बोल रही थी कि अच्छा हो अपने पहले आ गए। अभी देखो कितनी गर्दी है, वही। चलो अभी किधर, अभी ये टांगे वाले पे नहीं बैठेंगे भाई, ऑटो पकड़ो।